हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और आज 1 फरवरी 2018 है, तो मैं आपको कोर्ट की अपडेट मैं बताना चाहता हूं कि आज के कोर्ट में क्या हुआ। जस्टिस चौहान ने अधिवक्ता अमित भदौरिया जी द्वारा बेसिक शिक्षा और उसकी पात्रता आवश्यकता को ब्रीफ किया गया कोर्ट में। और सबसे पहले बेसिक पहलुओं को समझने के बाद जस्टिस ने सारी चीज़ों का जवाब जब पीएनपी के वकील से मांगा तो उन्होंने और ज़्यादा समय की मांग की, तो उन्होंने 10 मिनट का समय उन्हें दिया। लेकिन इस समय वो अपना कोई भी तर्क प्रस्तुत ना कर सके। तत्पश्चात इधर के वकील ने पीएनपी से जारी उत्तर कुंजी जो लगातार विवादित थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और कहा कि एक बार क्रिश्मर की जगह पर जो है कैनन को सही माना और फिर उसमें कॉमन अंक दिया, तो इस तरह से उसकी उत्तर कुंजी को प्रश्न चिन्ह में खड़ा करते हुए काफ़ी सारी बहस हुई। आउट ऑफ सिलेबस पर भी एनसीटी की गाइडलाइन को दर्शाया गया और इसके बाद उन लोगों ने पूरी तरह से बहस की जिसमें कई सारे प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। फिर बात आई आउट ऑफ सिलेबस की, कुछ ऐसे प्रश्नों की जिन पर जज साहब ने कहा कि ये आप कैसे कह रहे हैं, पर्यावरण में ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो वहाँ पर भी एनसीटीई की गाइडलाइन का हवाला दे करके वकील ने कई बार चीज़ों को पलटने की कोशिश की, लेकिन ये सारी बहस बहुत देर तक चलती रही जिसमें 4 से ज़्यादा बज गए और कोर्ट के बंद होने का समय हो गया। लेकिन इस बहस को जारी रखते हुए जज साहब ने ये भरोसा दिलाया कि ये बहस कल तक कंटिन्यू रहेगी और वो इस परीक्षा के परिणाम को या इस रिज़ल्ट को 5 तारीख से पहले डिक्लेयर कर देंगे या फिर लिखित परीक्षा की डेट को वो पोस्टपोन करेंगे। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें तो साफ हो गई हैं कि या तो परिणाम पहले आएगा, नंबर बढ़ने वाला, या फिर परीक्षा को पोस्टपोन किया जाएगा। सो गाइस डोंट वरी, जितने लोगों का रुका हुआ है ये राहत की खबर है। आप सभी जो है समझ सकते हैं इस चीज़ को, अगर अदरवाइज जो है आप लोग वेट कर सकते हैं, कल देखते हैं कल की बहस में क्या होता है, उनके वकील क्या पक्ष रहते हैं, क्योंकि अब जल्दी जल्दी डेट मिलने लगी है तो ये केस अपने अंतिम मुकाम पर है। तो हम लोग अभी जो है रास्ते से ही बोल रहे हैं, जस्ट अभी की अपडेट है। तो थैंक यू, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस। थैंक यू सो मच।